कृष्णात् परम किमपि तत्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिओम, इग्नू की ऑनलाइन इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। विशेष करके हमारे आज के काउंसलर परम दार्शनिक विद्वान नाना शास्त्र विचक्षण आदरणीय डॉक्टर विभु दत्त मिश्र जी उपस्थित हैं। हम उनका इग्नू की ऑनलाइन कक्षा के तरफ से स्वागत करते हैं और सारे अध्येतागण बड़े ही मनोयोग से अध्ययन कर रहे हैं और समय से उपस्थित हैं। तो आप सभी लोगों का इग्नू की ऑनलाइन इस कक्षा में स्वागत करते हुए यह कक्षा हम आदरणीय विभु दत्त मिश्र जी को समर्पित करते हैं। आदरणीय विभु दत्त मिश्र महोदय। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वाक्य के ऊपर। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहा जाए, वाक्य के कितने भेद हैं, इस विषय पर हम साहित्य दर्पण अनुसार ही चर्चा करेंगे। तो बोल वाक्य कैसे किसे कहते हैं। वाक्य जो शब्द है उस शब्द के साथ हम लोग भली भांति परिचित भी हैं। वो ऐसा वाक्य बोला, इसने ऐसा बोल दिया, तो जो बोलते हैं वो वाक्य ही हम बोलते हैं। तो बोलने पर तो मैं अभी शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं, तो किसे शब्द बोलूं किसे वाक्य बोलूं। तो बोला जाए कि शब्द का समूहों को वाक्य बोला जाए, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो अभी जो प्रश्न है कि वाक्य को हम क्यों यहाँ उपस्थापन कर रहे हैं, वाक्य की क्या आवश्यकता आ पड़ी, वाक्य के ऊपर हम क्यों जाएं। वाक्य पद ये तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार है, व्याकरण में जब हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ना चाहिए। अभी हम साहित्य में हैं, साहित्य में वाक्य पद कहाँ से आ गया। तो दरअसल बात यह है कि हमने जो कल पढ़े हैं देखे हैं काव्य के लक्षण, काव्य किसे बोले हैं, तो साहित्य दर्पणकार ने वहां पर बोले हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रसयुक्त हो रसात्मक हो उसे ही काव्य कहा जाए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो उसमें इस पद का क्या अर्थ है। तो जब हम एक पूरा एक समूह का विवेचन करते हैं, समूहों के अंदर जो घटक पदार्थ रहते हैं, घटित जो रूप है उसके घटक जो छोटे छोटे अंश हैं उसका अर्थ हमें पता हो तब जाकर हमें पूरा घटित पदार्थ का शब्द का हमें पूरा अर्थ ज्ञान होगा। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम अभी जो बोल रहे हैं, तो वाक्य क्या है इसका ज्ञान होने पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम ज्ञान होगा। इसीलिए हम यहाँ वाक्य किसे कहा जाएगा इस चर्चा पर आगे बढ़ रहे हैं। तो वाक्य के स्वरूप में बोल रहे हैं, वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चयः। उच्च का मतलब है समूह, संयुक्त। किसका समूह? पदों का। पद क्या है? शब्दों, शब्द को ही पद कहते हैं। सुप्तिंगंतम पदम बोला गया है, जो सुयुक्त हो अर्तिंगंत हो उसे ही हम कह सकते हैं। तो वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, ये तीनों युक्त जो पद है, ऐसा पद युक्त पदों का समूह, इस गुण वाले क्या क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, तब जाकर उसे
क्या बोला जाएगा, उसमें उसे वाक्य कहा जाएगा, ऐसे पदों के समूह को। अब योग्यता का अर्थ क्या है, योग्यता का अर्थ क्या है, साधारणतः ऐसी कुछ गुण या ऐसा कुछ चीज जिसमें होने पर वो सामर्थ्यवान बनता है, योग्यता का अर्थ यही है। अर्थ अभी हम लोग एमए में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप लोग, तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, योग्यता चाहिए हमें ग्रेजुएशन या बीए हमें कंप्लीट होना चाहिए, तो बीए कंप्लीट होना ये योग्यता है। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ पदों का क्या योग्यता चाहिए, तो बोल रहे हैं योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव अभाव, बाध का अभाव होना, बाध बाध मतलब ऑब्स्टकल, जो बाधित होता है, जो बीच में रुकवाता है, कुछ चीज आगे बढ़ने में जो बाधा डालती है, वैसी बाधा की अभाव होना। योग्यता पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भाव, जो योग्यता है वो पदार्थानां परस्पर संबंधे, पदों के जो अर्थ है, हर एक पद का एक अर्थ रहता है, मोबाइल, लेखनी, अंकनी, लेखनी एक वस्तु है, शब्द है, उसका एक अर्थ है, अंकनी पेंसिल जो है उसका एक अर्थ है, तो उसी अर्थ का परस जब हम समूहों में व्यवहार करेंगे तब ऊपर हर एक पद का अर्थों में संबंध रहना चाहिए। कैसा संबंधों में ऑब्स्टकल बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, जैसे बाधा भाव, तो उसे ही योग्यता कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं पदोच्चयस्य एतद् अभावे अपि वाक्यत्वे वनिना सिंचति इत्यादि वाक्यम स्यात्। यदि योग्यता ना रहे तो क्या होगा, तो कोई बोलेगा वनिना सिंचति, वनिना सिंचति क्या है इसका मतलब, आग लेकर, बन्ही लेकर, अग्नि को लेकर कोई सिंचाई कर रहा है, सिंचाई काम पानी से ही हो सकता है, अग्नि से नहीं हो सकता, पानी से ही होता है सिंचाई काम, सिंचाई का काम अग्नि से नहीं हो सकता। यदि योग्यता को हम एक मानदंड के रूप में ना रखें तो बन्हिना सिंचती यह भी एक वाक्य हो सकता है, और योग्यता को हम मानदंड के की तरह व्यवहार करेंगे किसमें, वाक्य में, पदों में, तो उस पद में पदों के बीच में जो संबंध है उसमें बाधा भाव रूप योग्यता को हम एक मानदंड के रूप तरह व्यवहार करेंगे, लेंगे, तो उसमें क्या होगा, तो वो सही रहेगा, और नहीं लेंगे तो वन्हिना सिंचति यह भी वाक्य हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। और आकांक्षा क्या है, तो योग्यता आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर आता है आकांक्षा, आकांक्षा क्या है, प्रतीति पर्यवसान विरह, विरह मतलब अभाव, विरह शब्द का अर्थ है अभाव, प्रतीति पर्यवसान अभाव, प्रतीति पर्यवसान क्या होता है, मान लीजिए मैं एक शब्द बोलूं, उसके बाद और एक शब्द सुनने की आकांक्षा होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से किसी का एक नाम लिया, राम, हरि, गोपाल, ऐसा, तो हरि बोल के बुलाया, तो उसे सुनकर जो सुनने वाला है उसके मन में आकांक्षा, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या ऐसी आकांक्षा आनी चाहिए, वो वाक्य में आकांक्षा, शब्द के बाद आकांक्षा होनी चाहिए, साकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा ना रहने पर क्या होगा, मान लीजिए मैं अभी गाय, बछड़ा, भैंस, हरिन, ट्रक ऐसे बोलते ही जाऊं और ये सब मिलकर एक वाक्य हो गए,
मतलब कुछ नहीं है। गाय बोला, बकरा बोला, माटी बोला, समुंदर बोल दिया, गोवा मुंबई, ऐसे ज्यादा जो कुछ मन में आया मैं बोल दिया, सब वार्ड मिलाकर एक वाक्य बन गया बोलूं। तो आकांक्षा ना रहने पर, ये सारे ऐसी बोलने पर भी इसे वाक्य बोला जाएगा, लेकिन आकांक्षा रहेगा तब जाकर इसमें वाक्यत्व तो नहीं आएगा। किसमें? जो मैं इधर उधर की वार्ड बोल रहा उसमें नहीं आएगी। सही ढंग से बोलने वाला का ही वाक्य में प्रयोग हो पाएगा। श्रोतु जिज्ञासा रूप बोला गया, जो सुनने वाला है उसके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, क्या बोल क्या, उसके बाद क्या, ऐसी आकांक्षा होनी चाहिए। निराकांक्षस्य वाक्यस्य वाक्यत्वे गौ अश्व पुरुष हस्ती इदा इत्यादि नाम अपनी वाक्यत्व स्यात्। जैसे मैंने बोला कि न होने पर इन लोगों की भी वाक्यता आ जाएगी। तो पहली मानदंड रखा गया योग्यता, दूसरी आ गई आकांक्षा। योग्यता क्या है? परस्पर बाधा भाव, परस्पर संबंधी बाधा भाव। केशम, किन लोगों के बीच में परस्पर संबंध में बाधा भाव होने चाहिए? पदार्थानाम, पदों में नहीं, पदार्थानाम पदों की अर्थ में, उसके जो मीनिंग है, मीनिंग में कौन किसी तरह का ऑब्स्टकल, रुकावट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो रुका ऐसी स्थिति हो तब जाकर उसे योग्यता संपन्न बोला जाएगा, नहीं तो ऐसी योग्यता को मानदंड नहीं रखेंगे तो बन्निना सिंचती, ये भी आ जाएगी वाक्य में कैटेगरी में, तो वाक्य है नहीं। बोल दिया जाएगा कि गधा उड़ रहा है, हो पाएगा? गधा उड़ नहीं सकता। कोई बोले नहीं सर एरोप्लेन में ले गया था, अरे एरोप्लेन ले गया था वो अलग चीज, एरोप्लेन उड़ रहा है बोला जा सकता है, लेकिन गधा उड़ रहा है ये नहीं बोला जा सकता। पत्थर तैर रहा है, पत्थर कैसे? नहीं सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं, जब राम सेतु बनाया गया था तब वो पत्थर तैर रहा था, वो अलग चीज है, व्यतिक्रम जिसे सुन दीजिए, लेकिन पत्थर तैरता है ऐसे। कोई कोई कुछ बोल रहा है शायद संजय? नहीं एक तो उसमें क्या हो रहा है, तो कुछ भी बोलने पर जिसमें योग्यता नहीं है उस पर भी क्या होगा, वाक्यत्व आपत्ति हो जाएगा। तो ऐसा इसीलिए रखा गया, योग्यता होने पर ही उसे वाक्य कहा जाएगा। सिर्फ योग्यता नहीं, उसके साथ आकांक्षा को भी जोड़ा गया, योग्यता आकांक्षा, ये दोनों हो जाने पर वाक्य बोला जा सकता है, पदों को, पदों की समूह को नहीं, दोनों होने पर भी नहीं बोला जाता। तीसरा चीज भी होनी चाहिए, तीसरी चीज भी होनी चाहिए जो कि है आसक्ति। आसक्ति क्या है? बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीं उच्चारितस्य क्षमताम् आसक्ति बुद्धिः अविच्छेदः। मान लीजिए मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, आज बोलूं कि आज मुझे इतना बोल दूं, आज हम इतना बोल दिया, उसके बाद फिर 6 बजे जब क्लास बंद होता है तब पढ़ेंगे, तो आज हम ये जो शब्द पहले बोला था और पढ़ेंगे, इसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। या तो मैं बोल दूं कि किसी ने बोला आज सुबह, बोला मान लीजिए किसी ने अपने पिताजी को बोला पिताजी, और शाम को बोलेगा खाना है, खाने के लिए आइए, या खाने बोल दिया और फिर अगले दिन बोलेगा आइए, तो इसका इस शब्द के साथ उसी शब्द का कोई संबंध नहीं बैठेगा। तो बुद्धि व्यवच्छेद नहीं होनी चाहिए, शब्दों के बीच ये जो समय अवधि है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए बोल रहे हैं आसक्ति बुद्धि अविच्छेद गौर अश्व बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे
इदानीम् उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांतर उच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति स्यात्। यदि आसक्ति ना रखा जाए तो क्या होगा, देवदत्त आज बोल दिया देवदत्त, और दो तीन दिन बाद या अब शाम को बोलेगा कि रात को बोलेगा गच्छति, तो देवदत्त के साथ गच्छति क्रिया का कोई अन्वय ही नहीं होगा, तो ऐसा होने पर दोष आ जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है आकांक्षा योग्यता आसक्ति, इतना होने पर युक्त पदोच्चय जो समूह रहेगा उसे ही वाक्य बोला जाएगा। आकांक्षा के अनुपस्थिति पर पदों की समूह को वाक्य नहीं कहा जाएगा, आकांक्षा की अनुपस्थिति रहे तो भी पद समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता, और आसक्ति ना रहने पर भी पद समूह को वाक्य नहीं कहा जाए। तो जिस पदों की समूहों में योग्यता भी हो, आकांक्षा भी हो और आसक्ति भी हो, वहीं पर ही वाक्य कहा जा सकता है कि यह एक वाक्य है। और फिर बोल रहे हैं कि वाक्यों के समूह को महावाक्य कहा जाएगा, वाक्यों की समूह को महावाक्य कहा जाएगा। वाक्य चय महावाक्यम योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त इति एव। और जो वाक्य रहेंगे छोटे छोटे वाक्य रहेंगे उस सब मिलाकर एक महावाक्य भी हो सकता है, लेकिन आप लोग दर्शन में फिर पढ़े होंगे वहां तो महावाक्य हम छोटे एक पद को भी बोले हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ये कैसा महावाक्य और उधर कैसा महावाक्य, ये भी एक सवाल आ सकता है। तो ये जानना जरूरी है दर्शन में जो आप महावाक्य पढ़े हैं और यहाँ जो महावाक्य बोला गया है उसमें डिफरेंस है, पार्थक्य है। वहां महावाक्य का अर्थ है दर्शन में जहां पर जीव और ब्रह्म ये दोनों की एक रूपता जिस वाक्य में से समझा जाए उसे महावाक्य कहा जाएगा। जीव और ब्रह्म ये वेदांत का है, जीव और ब्रह्म की एक रूपता एक ही है यह जिस वाक्य से पता चले, या जो अखंडार्थक बोधक वाक्य है, अखंडार्थक बोधक मतलब जीव और ब्रह्म एक है, जीव और भगवान में कोई पार्थक्य नहीं है, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि ऐसे जो वाक्य है इसमें अहम ब्रह्मास्मि अहम और ब्रह्म ये दोनों में पार्थक्य नहीं है, और तत्त्वम असि तत्व मतलब ब्रह्म, त्वम मतलब जीव, जीव और ब्रह्म ये दोनों में चैतन्य रूप में कोई पार्थक्य है नहीं, अलग अलग है नहीं, ये एक ही है। इसी तरह जो वाक्य में जीव ब्रह्म ही के वाक्य वाक्य बोधक वाक्य महावाक्य, जीव और ब्रह्म के जो एक रूपता जिस वाक्य से पता चले उसे महावाक्य कहा, ये दर्शन शास्त्र। लेकिन जब हम साहित्य में देखते हैं तो बोले हैं वाक्यों के समूह को महावाक्य कहा जाएगा, और किस तरह का महावाक्य किस तरह का रहेगा वो वाक्य, उसमें भी योग्यता आकांक्षा आसक्ति रहेगी। अभी आप लोग पूछ सकते हैं कि सर महावाक्य किसे कहें तो हम क्या लिखें परीक्षा में, तो परीक्षा किस परीक्षा में आप लिख रहे हैं वही मायने रखता है। साहित्य की परीक्षा दे रहे हैं तो साहित्य की उत्तर लिखना है, दर्शन की परीक्षा लिख रहे हैं तो दर्शन की ही उत्तर लिखना है, ठीक है। तो महावाक्य जिसमें वाक्यों में वाक्यों की समूह को महावाक्य कहा जाएगा, जो कि आकांक्षा योग्यता आसक्ति होना आवश्यक है उसमें। और इसी हिसाब से वाक्य दो प्रकार के हो गए, एक तो वाक्य है और दूसरा महावाक्य। वाक्य महावाक्येन इत्थम वाक्यम द्विधा मतम, जिस तरह से वाक्य दो तरह के हुए, एक तो हो गए वाक्य दूसरा हो गए महावाक्य। इसी बात की पूर्ति के लिए साहित्य दर्पणकार बोल रहे हैं कि यह तंत्रवार्तिक में भी लिखा गया है, तंत्रवार्तिक ग्रंथ में, कि स्वार्थ बोध समाप्तानां अंगांगीत्व व्यपेक्षया
वाक्यानाम एकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। हर एक वाक्य अपना अर्थ समझा कर विरत हो जाता है और दूसरा वाक्य फिर अपना अर्थ समझा कर विरत हो जाता है, पहले वाक्य दूसरे वाक्य उसी हिसाब से तीसरा वाक्य भी, इन लोगों के बीच मिलकर संबंध सृष्टि होकर कोई अलग एक अर्थ फिर बनाए तो उसे महावाक्य कहा जाता है। तो उदाहरण के तौर पर वहां पर कल जो हम पढ़ रहे थे एक एग्जाम्पल दिए थे, शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनाद उत्थाय किंचित शनैः, यह है वाक्य का एग्जाम्पल उदाहरण। और महावाक्य क्या है तो रामायण महाभारत रघुवंश, ये महावाक्य के उदाहरण हो सकते हैं जिसमें बहुत सारे वाक्य मिलकर एक बड़े से अर्थ को प्रतिपादन कर रहे हैं। तो महाकाव्य खंडकाव्य ये सब महावाक्य वाक्यों की समूह है तो उसमें महावाक्य कहा जाएगा, महाका वाक्य। अब आते हैं वाक्य के लक्षण में, हमने बोला है, हमने मतलब विश्वनाथ कविराज ने बोला है, विश्वनाथ कविराज बोल रहे हैं कि आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम। तो पद किसको कहें अभी आ रहा है, तो पद का लक्षण कर रहे हैं, वर्णाहा पदम प्रयोग आ रहा अनन्विति का अर्थ बोध का। एक अन्वित है और एक अनन्वित है। अन्वित मतलब होता है अन्वय युक्त। अन्वय कब होगा, वाक्य में जब हो तब अन्वय होगा। तो पद ऐसा वर्ण हो, वर्णों की समूह हो या वर्ण हो, उसे पद कहा जाएगा जो प्रयोग करने योग्य हो। प्रयोग करने का अर्थ उच्चारण या लिखने योग्य हो, ऐसे वर्ण हो प्रयोग अर्हा, अर्हा मतलब योग्य, प्रयोग अर्हा अनन्वितेय का अर्थ बोध का, अनन्वित अनन्वित होकर बिना किसी से मिले अपना एक स्वतंत्र अर्थ वो प्रतिपादन करने वाला हो तब उसे पद कहा जाएगा। यथा घटः, जैसे है कि घट प्रयोग आ रहा इति प्रातिपादिकस्य व्यवच्छेद। यहाँ प्रयोग आ रहा बोलने का यह अर्थ है, जैसे कि संस्कृत में क्या होता है, हम लोग आप लोग भी मैट्रिक क्लास में हो गया अभी भी पढ़े होंगे, शब्द रूप धातु रूप है, शब्द रूप बालक मान लीजिए आप शब्द रूप कर रहे हैं तो बालक बालको बालका बालकम बालको बालकान ये कर रहे हैं, तो उसमें शब्द रूप किसका शब्द है, ये बालक का शब्द है। तो वो जो पहले जो ऊपर लिखा होता है ये बालक शब्द रूप कैसे चलता है, तो बालक बालकऊ बालका। यहाँ पर सूप औ जस्ट ये लगने पर ही सुपतिंगंदम बोला गया है, सूप हो या तिंग हो तब जाकर ये हो सकता है, ये बालक ये प्रयोग किया जा सकता है। बालक गच जो ऊपर लिखा होता है, बालक शब्द लता शब्द कवि शब्द नदी शब्द ये व्यवहार नहीं हो सकता, बिना सुप्रत्यय युक्त या बिना तिंगंत के हुए पद व्यवहार योग्य नहीं है। प्रयोग आ रहा कर देने पर प्रातिपादिक की व्यवच्छेद हो जाती है, उसकी निवर्तन हो जाती है, तो इसीलिए बोला गया प्रयोग अर्हा इति प्रातिपादिकस्य व्यवच्छेदः अनन्विते इति वाक्य महावाक्य। अभी बोला कि स्वतंत्र रूप से एक शब्द वर्ण जब अपना कुछ एक स्वतंत्र अर्थ परिप्रकाश करे तब जाकर उसे पद कहा जाएगा। एक इति साकांक्षा अनेक पदवाक्यानाम अर्थबोधका इति कचट तप इत्यादि नाम। अर्थबोधक रहने पर कुछ अर्थ होना, नहीं तो अनर्थ अर्थ ना होने पर भी बोला जाए, यदि बोला जाए कि उसे पद कहा जाए तो मैं बोल दूंगा कचट तप, ये भी ले लीजिए आप कुछ एक मीनिंग, नहीं होने पर भी पद बोला जाए तो इसे पद बोल दीजिए, नहीं हो पाएगा खचट थप गजाड़ा धावा घजाड़ा धावा ये सब पद हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा उनका नहीं लेने के लिए। इस
इसी तरह में अतिव्याप्ति न होने के लिए लक्षण में ये बोला गया अर्थबोध का। वर्णः इति बहुवचनम अविवक्षितम। यद्यपि वर्णः यहाँ पे बहुवचन है, यहाँ बहुवचन विवक्षित नहीं है, एक एक वर्ण भी हो सकता है, अविवक्षितम इसीलिए बोला गया है। अभी आ जाइए अर्थ एवं अभी पद में पदार्थों की विवेचना आती है। अब जब पदार्थों की विवेचना आती है तो इसमें एक गहन चिंतन है साहित्य में कि जब हम पद व्यवहार करते हैं, किसी एक शब्द उच्चारण करते हैं, उसका तो कुछ ना कुछ अर्थ रहता ही है। बिना अर्थ रहे कुछ बोले तो उसे क्या बोला जाएगा? जो बोलने वाला वो पगला गया है बोलेंगे, अरे ये पगला गया है पूरा, क्या बोल रहा है, अनाप शनाप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो अर्थ का अभी विवेचन करेंगे। तो ये जो अर्थ है, आप लोग को शायद नींद आ रही होगी आज की कक्षा में, तो हम थोड़ा एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आप देखिए जो अर्थ है, पदों की जो अर्थ है वो कैसे होता है, उसका एक विवेचन हम करेंगे कि हम अर्थों में क्या क्या देखते हैं। तो उसका एक पूर्णतः एक चित्र देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे जाएंगे जहां तक आज का समय चलेगा। तो अर्थ पर हम जब देखते हैं, जब किसी एक शब्द को उच्चारण करने पर हमारे अंदर अंदर मतलब मस्तिष्क में, मन में कोई एक अर्थ प्रस्फुटित होता है। मान लीजिए मैं कमल बोला, कमल शब्द सुनते ही हो सकता है, कमल सुनने पर ही मन में क्या, कमल मतलब पद्म पुष्प, एक पुष्प है, फूल, फूल का ही ज्ञान आ रहा है। तो ये पद तो कमल है, और मन में जो ज्ञान उदय हुआ वो अर्थ है, पद का यही अर्थ है, या पद्म पुष्प जो है वो अर्थ है। तो इसी अर्थ क्या एक ही तरह चलता है या अलग भी कुछ चलता है? तो और एक भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं किसी को बोलूं कि आप लोग तो सब पूरी आए होंगे, जगन्नाथ मंदिर के सामने बहुत बड़ा बड़दांड है, या कहीं पे भी आपके गांव में भी चले जाइए, चलिए उस तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, जहाँ के हम किसी का अनुभव रहेगा जिसमें। तो किसी को मैंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, वो बोला गांव में है। कहाँ गांव है, वो अपना गांव का नाम बोला। उसी गांव पे जाते ही आपका घर है, हाँ नदी में हमारा गांव है, या हाँ नदी में हमारा गांव, नदी में कैसे गांव हो सकता है, नहीं हो सकता। या तो कोई टाउन में रह रहा है, अपने इलाका का नाम बोला तो बोल रहा है कि स्टेशन में हमारा घर है, स्टेशन में कैसे घर हो सकता है, स्टेशन में तो नहीं हो सकता ना, स्टेशन के बगल में हो सकता है, स्टेशन में किसी का घर नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई बोलेगा कि चांदनी चौक एक प्रसिद्ध चौक है, तो वहां बोले हमारे घर चांदनी चौक में है, अरे चांदनी चौक में घर कैसे हो, तो चौक है वो, तो रास्ता है, घर नहीं हो सकता उसमें, रास्ते पे हमारा पर एनएच में हमारा घर है, नेशनल हाईवे पर हमारा घर है, हाईवे पर कैसे घर बना सकते हो भाई, नहीं हो सकता। तो जब ऐसी वाक्य बोलने पर भी हम हमारा अर्थ प्रतीति होता है, वो कैसे होता है, असम जिसमें संभावना ही नहीं है रहने की, उसी स्थिति पर भी हम ऐसे ही बोलते हैं। फिर और एक भी उदाहरण है, जैसे मान लीजिए कोई शाम का समय हो गया है, आप खेल कूद रहे हैं, और पिताजी आए बोले कि अरे बेटा टाइम कितना हुआ, कितना ही बस बोले हैं, आप तुरंत बच्चा क्या करता है, खेल बंद करके तुरंत दौड़ कर जा रहा है पढ़ने के लिए। तो पिताजी पूछे हैं क्या, बोलेंगे अरे बेटा टाइम कितना हुआ, टाइम कितना हुआ पूछने पर बच्चा आ रहा है खेल बंद करके पढ़ने के लिए बैठ रहा है। वही उसी हिसाब से आप दूसरे को मान लीजिए पूछ ले, बच्चे हैं
टाइम कितना हो, शाम को वही इसी हिसाब शाम को समय में ये है। तो पिताजी तो पूछे हैं कि टाइम कितना हुआ है, लेकिन बच्चा समझा अरे पिताजी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। कोई और है पुजारी है मान लीजिए, शाम के समय में बोल लूं कि टाइम कितना हुआ तो वो क्या समझेगा शाम के समय, तो अरे संध्या वंदन आलती का टाइम हो गया है, वो टाइम नहीं बोलेगा। बोलने वालों को 7 बजा है 6 बजा है नहीं बोलते, उसका एक्टिविटी चेंज हो जा रहा है। तो पूछा जाए एक चीज समझ रहा है, दूसरा चीज वो कैसे हो रहा है, अर्थ प्रतीति अलग अलग क्यों? तो ये सारे जो चीजें हैं ये अर्थ के ऊपर पर्यवेक्षित है, अर्थ के ऊपर निर्भर कर रहा है। यहां मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं। तो ये जो वाक्य है अर्थ है ये 3 तरह का चलता है। तो एक है उसे वाच्यार्थ बोला जाता है, दूसरे को लक्ष्यार्थ बोला जाता है, तीसरे को व्यंग्यार्थ बोला जाता है। एक में वाच्यार्थ, दूसरा में लक्ष्यार्थ और तीसरा में व्यंग्यार्थ, ये तीनों है। तो आज हम थोड़ा वाच्यार्थ के ऊपर, वाच्यार्थ किसे कहते हैं, तो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ ये तीनों के ऊपर हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इसका एक विहंगावलोकन हो जाए, आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम वाच्यार्थों में जाएंगे, उसके बाद फिर लक्षणा लक्षार्थ और फिर वाच्यार्थ में जाएंगे। तो आप लोगों को मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखाई ना दे या कुछ हो तो आप थोड़ा सूचित कर दीजिए। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, जी सर, दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे अविधा शब्द शक्ति। अविधा शब्द शक्ति क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं। अभी जो वाच्यार्थ है, वाच्य के ऊपर देखते हैं। आप अपने उंगली से आप स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं देखकर, ठीक है? तो बोला जा रहा है अर्थो वाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यंग्यस्य इति त्रिधा मतः। ये जो अर्थ के विषय में हम अभी बोल रहे थे, उसमें अर्थ 3 प्रकार के हैं। तीन क्या क्या? वाच्य है, लक्ष्य है और व्यंग्य है। अर्थ यहाँ जो शब्द है वो अर्थ, अर्थ मतलब क्या है? अर्थ का मतलब तो प्रयोजन भी है, अर्थ का शब्द पैसा भी है। तो यहाँ क्या है? अर्थ नाम पदार्थ। अर्थ का शब्द क्या है? पदार्थ। यहाँ पर पदों के अर्थ, और पद क्या है? मतलब वर्णाः पदम प्रयोगार्ह अनन्वितार्थबोधकः। अभी हम पढ़े हैं कि वर्ण हो, प्रयोग योग्य हो, अनन्वित हो और अर्थबोधक हो, तब जाकर उसे हम पद कहेंगे। तो यहाँ पर बहुवचन भी है वर्णा, तो बहुवचन होने पर ऐसा कोई आग्रह नहीं है। एक वचन, एक अक्षर, एक वर्ण भी एक अर्थ समझा सकता है, प्रयोग आ रहा भी हो सकता है और अनन्वित हो सकता है। तो इसमें ऐसा अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक वाच्यार्थ है, एक वाच्य है, एक लक्ष्य है और एक व्यंग्य है, ठीक है? तो वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ है तो लक्षण बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी उदाहरण के तौर पर आइडिया कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आप लोगों को समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैं एक शब्द वाक्य बोल रहा हूं, राम लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम। राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में गए। तो यहां राम शब्द जो है वो सुनते ही हमारे मन में क्या आया? दशरथ का पुत्र, पहला बड़ा पुत्र। लक्ष्मण आने पर उनके अनुज, सीता शब्द सुनते ही राम की पत्नी, सहा मिलकर राम लक्ष्मण और सीता के साथ
वन गए, वन में जंगल में जगामा गए, तो जो शब्द जैसा है, जो शब्द का अर्थ जैसा है, उसी शब्द को उसी हिसाब से समझना, अर्थ को उसी हिसाब से समझना, वो वाच्यार्थ है। राम का अर्थ दशरथ पुत्र, दशरथस्य पुत्र, लक्ष्मण राम के अनुज, सीता राम की पत्नी। तो यहाँ पर कोई दोहरा नहीं है, किसी चीज का रुकावट भी नहीं है, जैसे कि इसमें हर शब्द का आकांक्षा भी है, योग्यता भी है और आसक्ति भी है, तो ये वाक्य सही बैठा है। तो इससे जो अर्थ निकला, क्या वाच्यार्थ, राम लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में गए, इस वाक्य का जो अर्थ है, उसका जो मायने निकल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, बाधा नहीं है, तो ये वाच्यार्थ है। जिस वाक्य में किसी तरह का असुविधा ना हो अर्थ प्रतिपादन में, और सीधा सलक वो अर्थ ही प्रतिपादित हो, तब जाकर उसे क्या कहा जाएगा, उसे वाच्यार्थ कहा जाएगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, यह एक वाक्य है, और इस वाक्य में राम लक्ष्मण सीता च सह वनम जगाम, सात शब्द है यहाँ पर, पद है, राम लक्ष्मण सीता च सह वनम जगाम, ये सात पद यहाँ पर हैं, ये सातों पदों के बीच जो संबंध है, ये मिलकर एक पूर्णांग अर्थ प्रतिपादन कर रहे हैं, और इस अर्थ की प्रतीति में किसी तरह का रुकावट नहीं है। इनका जो एक्चुअल जो मीनिंग है, वास्तविक जो अर्थ है, वही अर्थ ये लोग प्रतिपादन कर रहे हैं। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः, इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए। तो ये आ गया वाच्यार्थ। वाच्यत्वं किं पदजन्य प्रतीति विषयत्वं, वाच्य किसे कहा जाए, पदजन्य प्रतीति, पद से जात प्रतीति, जो विषय है उसे ही वाच्य कहा जाएगा, वाच्यत्वं कहा जाएगा। जिस पद को सुनते ही जिस अर्थ की प्रतीति हो, ज्ञान हो, उसे ही वाच्य कहा जाएगा, वाच्यार्थ कहा जाएगा। तो उसी हिसाब से तो वाच्यार्थ में आया गया, तो जैसा बोला गया है, जो शब्द जैसा उच्चारित किया गया, उसी शब्द में उसी पद में जो अर्थ निहित है, उसी अर्थ की प्रस्फुटित होना, वह वाच्यार्थ है। अभी आ जाइए दूसरे में, लक्षार्थ में। लक्षार्थ में क्या हुआ, उदाहरण दिया गया, गंगायाम घोषः, यहाँ दो पद हैं, एग्जाम्पल को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तब जाकर ये मन में बैठेगा, याद रहेगा, परीक्षा में भी सुविधा होगी। अर्थ लक्षार्थ, गंगायाम घोषः, गंगायाम, गंगा शब्द का सप्तमी विभक्ति, उसका अर्थ क्या है, सप्तमी का अर्थ क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण। फिर ये रहता है, तीन प्रकार का रहता है, अभिव्यापक, एग्जाम्पल रहता है, जैसे तिलेषु तैलम, तिल में तेल है, तो तिल में कहाँ पर तेल है, तिल में चारों तरफ है, तिल में पूरा व्याप्त रूप, अभिव्यापक उसे बोला जाता है। और मान लीजिए पठने इच्छा अस्ति, या साहित्य, साहित्य में इच्छा है, साहित्य इच्छा अस्ति, साहित्य पठने इच्छा अस्ति, तो साहित्य में पढ़ने, तो ये है वैषयिक विषयगत अधिकरण, इसमें जो आया पठने पढ़ने में सप्तमी विभक्ति। और एक है, मान लीजिए कोई बेंच में बैठा हुआ है उपश्लेषिक, तो बोला जाएगा कि मंचे उपविशति, कोई मंच में बैठा हुआ है, मंच में, मान लीजिए मंच जितना बड़ा है, पूरा एरिया कवर करके तो नहीं बैठेगा, किसी एक अंश में बैठेगा, या मान लीजिए कोई कारपेट बिछाया गया है, कारपेट
कारपेट के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो कटे अस्ते कट के ऊपर, यानी कि कारपेट के ऊपर कोई बैठा हुआ है तो पूरा कारपेट के हर कोने में तो वो स्पर्श कर कर नहीं बैठ सकता, किसी एक अंश में बैठेगा, तो वो है उपश्लेषिक अधिकरण। उसी हिसाब से कटे उपश्लेषिक हिसाब से चलेगा। तो यहाँ जो है गंगायाम घोष तो सप्तमी अधिकरण है, यहाँ भी उपश्लेषिक ही आएगा। पूरा गंगा नदी में घोष का शब्द का अर्थ होता है आभिरपल्ली, छोटा सा गांव, जो क्या बोला जाएगा, एक वार्ड, जैसे कि हमारे अभी गांव में एक रहता है पाड़ा रहता है, कि चार पांच घर मिलकर एक तरफ रह रहे हैं और पांच चार घर मिलकर जगह पर, तो उसी तरह का छोटा सा गांव कस्बा जिसे बोलते हैं। तो गंगायाम घोषः, किसने गंगा से बनारस से आया वह आदमी, उसे पूछ रहा है कोई, कोई पूछ रहा है कि आपका घर कहाँ पर है, तो बोल रहा है हमारा घर तो गांव गंगा में है। आपका गांव कहाँ पर है? गंगा में है। तो गंगा में गांव कैसे हो सकता है? गंगा में गांव नहीं हो सकता, गंगायाम घोषः नहीं संभव, नहीं हो सकता, क्योंकि गंगायाम इसका अर्थ है सप्तमी, याम सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति अधिकरण सप्तमी होता है, और अधिकरण का अर्थ है ऊपर, और गंगा मतलब जो पानी प्रवाह रूप चल रहा है, और पानी के ऊपर गांव कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता, तो ये वाक्य अर्थ नहीं समझा पाएगा। तो उस जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी जगह का व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन अर्थ क्या समझ रहे हैं उसमें, गंगा रूप जल प्रवाह अर्थ वहां पर बाधित हो रहा है, अन्वय नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ है, अधिकरण रूप जो अर्थ है, उस अर्थ को हम पलट दे रहे हैं अपने हिसाब से, कल्पना करके, कल्पना शक्ति यहाँ पर व्यवहार करके उसकी नजदीकी किसी एक अर्थ को हम लेंगे जो उसके आसपास बैठा। तो गंगा तीरे घोषः, तो सप्तमी विभक्ति का जो अर्थ है गंगायाम, वहां याम का मतलब हम बना दिए तीरे, गंगा तीरे घोष। हम लोग जैसे बात है, आपका घर कहाँ पर है? मेरा स्टेशन में है। अरे स्टेशन में कैसे? स्टेशन के पास में है, चांदनी चौक में मेरा घर है। चौक में कैसे हो सकता है? चौक के पास घर है, एनएच के ऊपर घर है, रास्ते में कैसे हो सकता है? रास्ते के साइड में, बगल में या पास में ही मेरा घर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गंगायाम घोषः, गंगा रूप जल प्रवाह प्रवाहे, ये जो है उसका वाच्यार्थ है, और घोषः आभिरपल्ली है, छोटा सा गांव है, तो यह है क्या उसका वाच्यार्थ है, मूल अर्थ। वो मूल अर्थ यहाँ पर बाधित हो रहा है, उस मूल अर्थ को पकड़े तो यह यहाँ पर अर्थ प्रतिपादन नहीं कर पा रहा है ये वाक्य। तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ उस अर्थ को परिवर्तन कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बोलने वाला नहीं कर रहा है, सुनने वाला ही अर्थ परिवर्तन कर रहा है। सुनने वाला क्या कर रहा है उसमें, गंगायाम घोष है, यहाँ गंगा के ऊपर तो नहीं रह सकता, इसका मतलब यह है गंगा तीरे घोष, गंगा के पास ही उसका घर है, गांव है, बोल रहा है। यह है लक्षार्थ। तो एक तरफ तो आ गया वाच्यार्थ, जहां पर पद जैसा है उसी हिसाब से ही उसका अर्थ रहे तो उसे वाच्यार्थ कहा जाएगा। राम शब्द का अर्थ राम ही रहा, और लक्ष्मण इस वाक्य में कोई इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकावट नहीं आ रही है। राम लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है चंचल? जी सर दिखाई दिखाई तो दे दे रहा रहा है। है। जी, मेरे यहाँ ऑफ हो गया तो इसीलिए। ठीक, हाँ, तो इस जो
वाक्य है रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, ये वैसे ही कि वैसे ही रही, तो इसमें वाच्यार्थ रहा। और लक्ष्यार्थ कहाँ पर, जहां पर मुख्यार्थ वाच्यार्थ बाधित हो गया। गंगायाम घोष का अर्थ क्या होना चाहिए, गंगा रूप जल प्रवाहे घोष ग्राम, ऐसा होना चाहिए अर्थ, लेकिन यह नहीं बैठ रहा है क्योंकि पानी के ऊपर गांव नहीं रह सकता, तो यहाँ वाच्यार्थ बाधित हो गया। मुख्यार्थ जहां पर बाधित हो जाए और वहां पर जो श्रोता है अपनी परिकल्पित किसी दूसरे अर्थ को जब समझता है, तो उस जगह पर क्या होता है, लक्षार्थ पकड़ा जाता है, जिस अर्थ को ग्रहण करता है उसे लक्षार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गंगा तीरे घोष, गंगायाम घोष। अब आ गया व्यंग्यार्थ, दूसरा वाला व्यंग्यार्थ क्या है। मान लीजिए किसी ने बोला शाम का समय है, गतोस्तम अर्क, अर्क अर्थ है सूर्य, अर्क का अर्थ है सूर्य, गतोस्तम अर्क, अस्तम अस्त हो गए, सूर्य अस्त हो गए, गतोस्तम अर्क। तो यह वाक्य का अर्थ बहुत सारा निकलेगा, सुनने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। जो श्रोता है उसकी अवस्थिति, उसकी मन की स्थिति, उसकी बुद्धि के अनुसार ही इसका अर्थ आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, गतोस्तमर का, जब कोई गाय चराने वाला हो तो उसका मन में क्या आया, संध्या हो गया, ऐसा वाक्य सुनने पर, गाओ गाओ निरुद्धताम, अरे गाय बछड़ा बांधने का समय आ गया है, चलो गाय बांध लेते हैं, घर में जाएंगे, तो ये उसके मन में आएगा ये अर्थ सुनकर। जो पूजा करने वाला पूजक है वो उसका क्या है, संध्या वंदना कर्तव्या, अभी संध्या वंदन करना समय। जो छात्र है स्टूडेंट है वो खेल रहा होगा तो उसे, अरे अंधेरा हो गया शाम हो गया चलो पढ़ने बैठते हैं, ऐसा ठीक है। तो जब लेकिन गतोस्तम अर्क, यह जो वाक्य है, यह वाक्य का जो अर्थ है, यह अर्थ क्या है, सूर्य अस्त जा रहे हैं वह हो गए, इस वाक्य में किसी तरह का व्याघात नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन फिर भी यह वाक्य सूर्य अस्त जा रहे हैं या हो गए हैं, यह अर्थ प्रतिपादन न करके ये क्या कर रहा है, यह वाक्य गोपालक के लिए गांव बछड़ा गाय बांधना है, यह अर्थ समझा रहा है उसे। जो पूजक है पूजक को क्या समझा रहा है, संध्या वंदना करना है, यह अर्थ समझा रहा है, और छात्र को पढ़ने का टाइम है, स्टडी आवर शुरू हो गया, यही समझा रहा है। डिफरेंस क्या है, पहले वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में, वाच्यार्थ में शब्द जैसा है, शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ वो प्रतिपादन कर रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, उसमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन जब व्यंग्यार्थ को देखा जाए, व्यंग्यार्थ में झंझट नहीं है, रुकावट भी नहीं है, फिर भी वो शब्द वही वाक्य क्या कर रहा है, कुछ दूसरा अर्थ प्रतिपादन कर रहा है, जो उसका अर्थ है वही अर्थ वो प्रतिपादन नहीं कर रहा है, वो सुनने वाला वालों के लिए, जो सुन रहा है वो सुनने वाला क्या समझ रहा है कि अभी मुझे यह करना है, उसकी जो स्थिति है उस स्थिति अनुसार वो उसी वाक्य का अर्थ निकाल रहा है, जबकि वाक्य बोला गया है कि शाम हो रहा है या सूर्य अस्त हो जा रहे हैं, अस्त हो गए ऐसा बोला गया है, तब ये सब जो वाक्य है उसी वाक्य का अर्थ जो होना चाहिए उसे नहीं सम वही अर्थ को ना लेकर किसी दूसरे अर्थ को वो लोग लिए हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति पर उसे व्यंग्यार्थ बोला जाता है, जहां पर मुख्यार्थ बाधित ना होकर भी, मुख्यार्थ बाधित ना होकर भी जब किसी दूसरे में जाए, दूसरे अर्थ प्रतिपादन करें, तब उसे क्या कहा जाएगा, उसमें उसको क्या कहा जाएगा, उसे व्यंग्यार्थ कहा जाएगा। लेकिन जब मुख्यार्थ बाधित हो और दूसरा अर्थ परिकल्पना करके अर्थ समझा जाए उस पर लक्षार्थ कहा जाएगा, और मुख्यार्थ जैसा है उसी हिसाब से अर्थ समझा जाए तो उसे वाच्यार्थ कहा जाएगा। तो तीन अर्थ है हमारे, एक वाच्यार्थ जहां
शब्द का जैसा अर्थ है उसी हिसाब से उसी अर्थ को समझना, यह हमारा वाच्यार्थ आ गया। लक्षार्थ में क्या है? मुख्यार्थ में अन्वय होने पे बाधा सृष्टि हो रही है, वहां पर रुकावट आ रही है, इसीलिए हम गंगायाम घोषः की जगह पर गंगा तीरे घोषः ऐसा अर्थ बनाए, तो ये हो गया लक्षार्थ। और जहां पर बाधित न हो, मुख्यार्थ बाधित न होकर भी वो क्या कर रहा है, दूसरा या तीसरा दो तीन चार अर्थ निकाल रहा है, एक अर्थ भी भले हो कुछ अलग अर्थ निकालेगा मोक्षार्थ से अलग, तो उस जगह पर व्यंग्यार्थ ही रहेगा, उसे व्यंग्यार्थ बोला जाएगा। गतोस्तमर्कः, इसका अर्थ क्या हो गया, ये आपका व्यंग्यार्थ इस समझा रहा है जो सुनने वालों के ऊपर निर्भर करके। अभी आगे देखेंगे, तो वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्य लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ताहा स्युः तिस्र शब्दस्य शक्तयः। ये जो तीन शब्द शक्ति है, ये जो शब्द के ऐसे अर्थ समझा रहे हैं क्या जो वाच्यार्थ में आए, जैसे एग्जाम्पल लिए थे हम राम लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, जैसा बोला गया उसी अर्थ को समझा रहा है, लेकिन गंगायाम घोष में गंगा तीरे घोष बोल रहा है और गतोस्तमर का जगह पर अलग अर्थ बोल रहा है, कहीं गावो निरुद्यताम बोल रहा है, कहीं पर संध्या वंदना कर्तव्य समझा रहा है, कहीं पर पठन समय ऐसा समझा रहा है। तो ये इनके जो पावर है, जो शक्ति है, वो शक्ति क्या है जो ऐसा समझा रहा है। तो वाच्य जो अर्थ है वो जो अर्थ अपने जिस शक्ति से समझा रहा है उससे अभिधा बोलते हैं। तो वाच्यो अर्थ अभिधया बोध्य, वाच्य का जो अर्थ है वो अभिधा से समझा जाए। लक्ष्य लक्षणया मतः, लक्षा अर्थ जो है वो लक्षणया से समझाए, लक्षणा से समझा जाए, और जो व्यंग्य है वो व्यंजनया व्यंजना से बोला जाए। ये तीन जो है ये तीन शब्द की शक्ति है, ठीक है। तो और एक बार बोल रहा हूं, शब्द है या पद है, पद का अर्थ रहता है, अर्थ को तीन भागों में बांटा गया है, एक है वाच्यार्थ, दूसरा है लक्ष्यार्थ, तीसरा है व्यंग्यार्थ। और ये जो अर्थ निकलते हैं ये शब्द के अंदर निहित जो शक्ति है उस शक्ति के आधार पर निकलते हैं। जब वाच्यार्थ को पकड़े तो उसमें कौन सी शक्ति है, तभी कौन सी शक्ति से ये वाच्यार्थ आई, तो अभिधा शक्ति से आई, और जब लक्षार्थ हम समझे तो उसमें लक्षणा रूप एक शक्ति है उसी से ये समझा गया, और जब व्यंग्य अर्थ को हम समझते हैं तो उस पर क्या है ना, उसमें व्यंजना रूपक एक अर्थ उसमें है। तो तीन अर्थ है और तीनों अर्थ के तीन शब्द शक्ति भी हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। उसके बाद आता है अभिधा, अभी हम अभिधा के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ जो आएगा पहले अभिधा फिर लक्षणा व्यंजना, इसी क्रम में है, लेकिन पढ़ने के समय हम पहले अभिधा फिर व्यंजना को देख लेंगे और फिर लक्षणा को देखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि जो लक्षणा है वो बहुत लंबा है, 80 टाइप्स का है, 80 प्रकार का लक्षणा है, तो इसे हम बाद में देखेंगे, अभिधा और व्यंजना को पहले देखेंगे, लेकिन पहले अभिधा को पढ़ लें उसके बाद व्यंजना और लक्षणा को हम देखेंगे। तो तीन शक्ति है शब्द के, एक है अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। वाच्य अर्थो अभिधया बोध्यः, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ अभिधा क्या है, और अभिधा पहले समझ में आता है, क्यों, शब्द को सुनते ही जो अर्थ मन में पहले प्रतीत होता है वही वाच्यार्थ है और वो अभिधा के कारण आता है, इसीलिए तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा। संकेतिता, संकेतिता अर्थ मुख्य, मुख्यार्थ का बोधनात् अग्रिमा अभिधा, पहली शब्द को सुन, रामः लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगामः। राम सुनते ही दशरथ का पुत्र, लक्ष्मण सुनते ही मन में आ गया राम का भाई, सीता का अर्थ सुनते ही, सीता शब्द सुनते ही राम की पत्नी,
एवं मिलकर, सह सहित वन जंगल जगाम गए थे, यह अर्थ हमें प्रतीत हो गया। तो शब्द सुनते ही हमें यह आया गंगायाम घोषः, गंगा में गांव है, गंगा में गांव है, उसमें मैं गांव में नहीं, गंगा में अवस्थिति संभव नहीं है, इसीलिए हमने गंगा तीरे लगाया। लेकिन पहला अर्थ तो आता है मन में क्या, गंगायाम, गंगा जल प्रवाह रूप, जल प्रवाहे। तो उसी हिसाब से अभिधा क्या है, पहली शक्ति है, अग्रिमा, फर्स्ट है। तो मुख्यार्थ से बोधनात् अग्रिमा अभिधा, मुख्यार्थ को वो समझाता है। तो इसमें बोला गया है आपके उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्दिश्य गामानय इत्युक्ते गवानयन प्रवृत्ति उपलभ्य बालः बालः अस्य वाक्यस्य शासनादिमत पिंडम अनयर्थ इति प्रतिपद्यते। अभी ये यहाँ पर समझा रहे हैं कि इस शब्द का यह अर्थ ये कैसे समझ में आता है, इसका क्या प्रक्रिया है। तो ज्यादातर क्या होता है, जब हम छोटे रहते हैं, कोई बच्चा रहता है, वो पहले वाच्यार्थों को ही ग्रहण करता है। अपने जीवन की प्राथमिक स्तर पर हर कोई जो बच्चा रहता है, शिशु रहता है, वो वाच्यार्थ को ही ग्रहण करता है, अविधा की हिसाब से ही वो शब्द ग्रहण करता, अर्थ को ग्रहण करता है। कैसे, मान लीजिए पिताजी और माताजी बात कर रहे हैं, तो पिताजी ने माताजी को बोला कि पानी दे दीजिए, पानी का बोतल दीजिए, तो बच्चा सुन रहा है ये सब। तो पानी का बोतल दीजिए जब बोल रहे हैं, माताजी क्या उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, पिताजी का बोला हुआ शब्द को सुना और माताजी का क्रिया को देख। तो उसी हिसाब से बार बार यह चीज अपने जीवन में जब होता रहता है, तो वो उसे देख देख कर बार बार कर वो समझ जाता है कि इस शब्द का अर्थ वही है। पानी का बोतल मतलब पानी का बोतल, कंघी का मतलब कंघी, आईना का मतलब आईना, खाना का मतलब खाना। तो बार बार देखता रहता है बच्चा, तो सिर्फ देखता नहीं है, पिता किसी ने क्या बोला उसका मतलब क्या है वो देखता रहता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसीलिए दिया गया है, उत्तम वृद्धे न, किसी बड़े आदमी ने मध्यम वृद्धम, छोटे आदमी को, बड़े आदमी ने छोटे आदमी को इशारा उद्देश्य करके बोल रहे हैं गाय को लाओ गाम आना यह। तो वो क्या कर रहा है, लेकर गौ को ला रहा है, गाय को लेकर आ रहा है, और छोटा बच्चा उसे देख रहा है। तो क्या देख रहा है, वो गाम आना यह बोलने पर वो किस तरह का एक जीप को लेकर आ रहे हैं, वो तो घोड़े को नहीं ला रहे हैं, वो तो जीप को ला रहे हैं। तो वहां पर बोला जा रहा है शासनादिमत पिंड आनयनम अर्थ इति प्रतिपद्यते, जिसका शासना विमत, जो गाय की गले की जो स्थिति है उसे शासना विमत बुलाया, शासना बुला जाता है। तो शासनादिमत पिंडम उक्त जो अर्थ है, जो विषय है, वस्तु है, उसे लेकर आ रहा है। तो बच्चा समझ गया कि आनय मतलब लाना, पकड़ के ले आना। अनंतरम गाम बधान, उस बड़े आदमी ने छोटे आदमी को बोला कि गाम बधान, गाय को बांधो, बांधना चाहिए, बोल बांध दीजिए बोला। तो बांध ऐसे सुनने पर वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है बच्चा, तो बांधना और एक लाना, ये दो चीजें सुन लिया, देखकर सुना था, अभी देखा तो उसका अर्थ उसे समझ में आया है। और उसके बाद किसी बोल रहा है अश्व माना यह, अभी अश्व वर्ड यूज किया है और पहले गाम वर्ड यूज किया था शब्द, तो गाम शब्द और अश्व शब्द ये दोनों को सुना बच्चा, और उसमें उसकी उसी हिसाब से क्रिया को भी देखा। तो पहले में गाम बोला गया था, एक जीव को लाया था, अश्व में किसी और को ला रहा है, तो अश्व का मतलब यह है और गौ बोलने पर यह है, यह ज्ञान उसका हो रहा है इसी हिसाब से। इत्यादो इत्यादो आवापोद्भावाभ्याम गो शब्दस्य शासनादिमान अर्थः आनयन पदस्य च आहरणमर्थ इति संकेतम अवधारयति।
इसी हिसाब से बार बार इस प्रकार का परिवर्तन व इस प्रकार का क्रियाशीलता को देख कर, शब्द और क्रियाशीलता दोनों को देख कर, बच्चा खुद अपने हिसाब से ये अर्थ ग्रहण करता है कि यह शब्द का यह अर्थ है, यही रहेगा। आवापुत बाप का अर्थ है अन्वय और व्यतिरेक, यह शब्द का अर्थ इसमें है तो यह अन्वय है, ऐसा नहीं है तो यह व्यतिरेक है। आवात न, आवापो द्वापः, अन्वय और व्यतिरिक। अन्वय व्यतिरिक का मतलब है अभाव के हिसाब से, यह है तत्सत्वे तत्सत्यम अन्वय, तदाभावे तदाभाव व्यतिरिक। ठीक है, यह होने पर यह होगा, धूम होने पर आग है, यह अन्वय है, और आग नहीं है तो धुआं नहीं है, ये व्यतिरेक है, ऐसी स्थिति है। तो फिर बोल रहे हैं क्वचित प्रसिद्धार्थ पद समविहारात, तो बच्चा तो पहले ऐसे सीखता है, थोड़े बड़े हो जाने के बाद कभी कभी, हर कोई शब्द तो बच्चा जन्म से अपने घर में तो सीख कर नहीं आता, बाहर में सीखता है। जैसे पिताजी घर में क्या करते हैं, माताजी बच्चे को पकड़ के, बेटा वो देख वो कुत्ता है, वो ऐसा है ऐसा, कभी कभी खाना खिलाते समय वो दिखाते दिखाते सिखा लेते हैं, वो सीख जाता है बच्चा और खाना भी खा देता है। अभी क्या हो रहा है उस जगह पर, लेकिन माता और पिता तो हर चीज तो ऐसा नहीं सिखा सकते, तो बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वो बाहर से पहले से कुछ सीखा हुआ है और बाहर कुछ नहीं सीखा हुआ कुछ शब्द उसे मिलता है, तो वो अर्थ कैसे प्रतीत करता है, अर्थ ज्ञान कैसे होता है, मुख्य अर्थ कैसे ज्ञान होता है। तो वो बोल रहे हैं कि यह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकर पिबती, तो वो मधुनी, मधु का मतलब मधु है ये तो मालूम है, हनी है बोलकर के, मधुकर हवर को जानता है लेकिन मधुकर शब्द का अर्थ नहीं जानता बच्चा। तो बोल रहे हैं जो पद्म पुष्प है उसमें मधु संग्रह कर पान कर रहा है, मधु पुष्प से मधु कौन पिएगा, भंवर ही पिएगा। तो इसमें जो पास वाला शब्द है मधु, उस पद को देखकर दूसरे पद का अर्थ ज्ञान करना, यह है क्या है, प्रसिद्ध अर्थ पद समभिहारा। प्रसिद्ध अर्थ जो तो किसी पद पास में हो उसी पद को देखकर हम दूसरा पद का अर्थ निकालें, तो उसे कहा जाएगा प्रसिद्धार्थ पद समविहारात। भी हम क्या कर सकते हैं, मुख्यार्थ को हम ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले आया कि कोई बोल रहा है, किसी दूसरे आदमी को, उसी शब्द और क्रिया को देखकर बच्चा सीख सकता है, क्या सीख सकता है, संकेत ग्रहण करके इसी शब्द का यह अर्थ है यह समझ सकता है, पहला वाला वाक्य और क्रिया दोनों को देखकर। और तीसरे में आता है, दूसरे में क्या आता है, नहीं तो जब घर से बाहर निकल रहा है कि ऐसा जगह कुछ आया, स्थल आया जहां पर ऐसा वाक्य आ रहा है जिसमें हर शब्द उसे मालूम नहीं है लेकिन कुछ शब्द तो उसके मालूम है, तो पास में बैठा एक शब्द को लेकर उसी जो अज्ञान जिस शब्द में है जिसमें उसका ज्ञान नहीं है, उसी शब्द का अर्थ जब वो ले रहा है तो पास में रहा बैठा शब्द के हिसाब से वो अर्थ ग्रहण करता है, तो यह भी एक तरीका है। तीसरी आ रही है अभी क्वचित आप्तोपदेशात, कभी डायरेक्टली यह शब्द का मीनिंग आप यही समझोगे, जैसे कल मैं अतिव्याप्ति का अर्थ समझाया, अव्याप्ति का अर्थ यह समझाया, असंभव का शब्द यह समझाया, तो मैं समझा दिया आपको मन कि अतिव्याप्ति का मतलब यह है, अव्याप्ति का मतलब यह है, असंभव का मतलब यह है। तो अयम अयम अस्य शब्दवाच्य, या तो बच्चे को दिखाकर सिखा जाता है कि देख बेटा ये डियर पार्क में ले गया बच्चों को लेकर, देख बेटा यह हिरन है यह भालू है, या तो किताब खरीद के ले आए वहां पे बोल देते हैं कि यह हाथी है यह घोड़ा है यह है, ये बोलते बोलते हम उसे डायरेक्ट भी सिखाते हैं, इसे यह बोलते हैं बोलकर सिखाया जाता है। तो यह डायरेक्ट भी होता है और बाकी जो है वो इनडायरेक्टली सीखता है बच्चा। लेकिन क्या सीखता है,
इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द में यही ही अर्थ आएगा, यह है वो अभिधा, यह बोला जाता है। तो पहले तो हम देखे कि तीन अर्थ हैं, एक अभिधा है, एक अर्थ है, एक वाच्यार्थ है, एक लक्षार्थ है, तीसरा व्यंगार्थ है। और जो वाच्यार्थ है वो अभिधा शक्ति से पता चलता है, जो लक्षार्थ है वो लक्षणा से पता चलता है, जो व्यंग्यार्थ है वो व्यंजना से पता चलता है। अभी अभिधा जो है वो पहले ही उपस्थित होता है, क्योंकि संकेतित अर्थ का वो बोधन करता है। संकेतित मतलब मुख्य, मुख्य अर्थ का जो शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो कौन समझाता है? अभिधा समझाता है। और अभिधा हमें ज्ञान, अभिधा की जो कार्य प्रणाली है, हमें इस शब्द का यही अर्थ है, वो हमें कैसे ज्ञान होता है? तो वो बोल रहे हैं कि इसका ज्ञान हमारे दैनंदिन जीवन में, हम बच्चे जब जब जन्म होते हैं, जब यहाँ मातृ गर्भ से हम यहाँ आते हैं, तब ही हमें पता चलता है। जैसे कि कोई शिशु बार बार माता पिता की बातचीत, घर में जो बातचीत कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी ये सब जब बातचीत करते हैं, वो बात को सुनता है, बात के हिसाब से वो लोग क्या कार्य कर रहे हैं, उसे देख देख कर बार बार यह कह रहे हैं, इसका मतलब यह है, ये सुन सुन का एक ज्ञान होता है आवाभूत वापो के द्वारा, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम में। दूसरा आता है जब वो ऐसा वाक्य सुने बाहर में कोई है, थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद, तो उससे जो पद ज्ञान है और जो पद ज्ञान नहीं है, जिस पद का अर्थ ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान ज्ञात जो अर्थ है और अज्ञात जो, उसमें संबंध निकाल कर वो अर्थ ज्ञान करता है कि नहीं यह हो सकता है, ऐसा ही होता है। जैसे कि हमारे गांव में एक है, नहीं ये व्यंजना में है, तो एक बार किसी ने बोला कि हमारे गांव के लिए पीचू रास्ता है, पीचू जो ब्लैक कलर का एनएच वाला जो रोड होता है, उसे हमारे गांव की भाषा में उसे पीचू बोला जाता है, पीचू से बनाया गया रास्ता। और हमारे गांव में जो छोटी रास्ता रहता है, पूरा सकरा हुआ छोटा गली रास्ता, उसे भी पीचू मतलब छोटा छोटा है, तो उसके गांव को जाने के लिए पीचू रास्ता है। तो बोल तो रहा है पीचू रास्ता है, लेकिन हाथ जब वो दिखा रहा है तो वो छोटा नहीं दिखा रहा है, वो बड़ा करके दिखा रहा है पीचू रास्ता है। तो कोई सुन के बोल रहा है कि अरे पीचू रास्ता है बोल रहा है, फिर हाथ ना बड़ा क्यों दिखा रहा है, पीचू का मतलब तो छोटा रहता है। तो फिर उसमें अर्थ ज्ञान कर रहा है, वो इसे दिखा रहा है तो ये पीचू मतलब वो कुछ अलग बोल रहा है, जो अलकतरा होता है, अलकतरा से बना हुआ जो रास्ता है उसे पीचू रास्ता बोला जा रहा है। यह एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अनुभव के तौर पर, लेकिन शास्त्रीय तो आपको जब एग्जाम में लिखना है तो किताब में जो दिया गया है उसी एग्जाम्पल को लिखना है। तो पास में जो शब्द और क्रिया है उसी हिसाब से भी हम देख जानना जानना जा सकता है कि इस शब्द का यह अर्थ है, यह अविदा है। और क्वचित आप्तोपदेशात, आप्त अभी हाँ हाँ मैं अभी तक आप्त शब्द का व्याख्या नहीं किया हूँ। आप्त का मतलब यह है, ज्यादातर आप्त शब्द का है यथार्थ वक्ता, जो ठीक ठाक बात बोलता है, यथार्थ वक्ता आप्त है, ये तर्क संग्रह ग्रंथ में है। तो ठीक ठाक बोल रहा है मतलब क्या है, मान लीजिए जो आदमी अफ्रीका में रह रहा है और जो आदमी श्रीलंका में रह रहा है, जो आदमी आबू धाबी में रह रहा है, इनके मन की स्थिति और बोलचाल जो कल्चर है वो सब कुछ अलग अलग है, और भारत में जो है वो अलग अलग है, या नीति नियम ये सब अलग अलग है। मान लीजिए अमेरिका और भारत की बात कर ले, तो कोई बोल रहा है, बच्चे को सिखा रहा है कि रास्ते के बाई तरफ जाना है चल के, और अमेरिका पहुंचते ही देखता है कि सब दाहिने तरफ जा रहे हैं और हम बाएं तरफ सिखा रहे हैं, तो सही कौन बोल रहा है?
हर एक स्थान और काल और व्यक्ति विशेष से यथार्थ वक्ता जो आप्त है वो अलग अलग हो सकता है, रहता है। जो मेरे लिए आप्त है वो आपके लिए आप्त होगा ऐसा नहीं है। आप जिसे आप्त मानते हैं वही आपके लिए आप्त है, यथार्थ वक्ता है। किसी का माता पिता जो सिखा रहे हैं वो बच्चे के लिए वो आप्त रहेंगे ऐसा नहीं है। तो आप्त का भी कुछ यहाँ है, लेकिन फिर भी ज्यादातर समानता ही आती है। कोई घोड़े को देखकर हाथी नहीं बोलता, भैंस को देखकर हाथी नहीं, बच्चों को बोल दिया जाता है जब खाना नहीं खाते हैं, नहीं होता भैंसा दे, भैंस को दिखाकर हाथी जा रही आती जा रही, देख देख बोल कर खाना खिला दिया जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन भैंस तो भैंस ही होगी, घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा, बकरा तो बकरा ही रहेगा, और उसका तो परिवर्तन नहीं होगा। तो यह शब्द का यह अर्थ है, ऐसा जो सिखाया जाता है वही आप तो ज्यादातर यहीं पर उसी अर्थ में ग्रहण किया जा रहा है, विशेष अलग अर्थ में नहीं लिया गया है। तो डायरेक्ट कोई सिखा रहा है इसका मतलब यह है, तो वही आप तो कल मैं अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव के बारे में समझाया। तो आप जहाँ कहीं भी चले जाइए, अतिव्याप्ति वही अतिव्याप्ति है, अलक्ष्य लक्षण सत्वम, लक्ष्य कदेशे लक्षणा सत्वम अव्याप्ति है, और लक्ष्य कदेशे कुत्रापि लक्षणा सत्वम यह असंभव है। ये हर जगह पर इसको अतिव्याप्ति बोलते हैं, इसे अव्याप्ति बोलते हैं और इसे असंभव बोलते हैं। ये वो आप तो माने या ना माने अलग चीज है, तो अर्थ तो एक ही है सब जगह पर। तो वैसे यहाँ पर भी, चाहे आप अमेरिका चले जाए या भारत में रहिए कि जहाँ पर भी रहिए, तो वहाँ पर घोड़े को घोड़े की बोला है, हो इंग्लिश में अलग वर्ड हो, अलग हर्ष बोले, कोई अलग कुछ बोले, लेकिन चीज तो एक ही है। वहां पर भी हिंदी बोलने वाले हैं, अमेरिका चले जाने पर वहां पर घोड़े को घोड़े ही बोला जाएगा, ऐसी स्थिति रहने पर इसे घोड़ा बोला जाएगा, ऐसा ही अर्थ है। तो ये तीनों हिसाब से वो बच्चा जो आदमी है वो अर्थ ग्रहण करता है वाच्यर्थ का, कि इसी शब्द का यह ही अर्थ है। ये तीनों उपाय आपके ग्रंथ में दिया गया है। उसके बाद आता है ये जो संकेत ग्रहण करता है, ठीक है, संकेत तो ऐसा बोल के बता दिया गया है कि ऐसे तरह की स्थिति पर संकेत ग्रहण करना है, लेकिन संकेत किस चीज पर करना है? अभी गाय को दिखाया, यह गाय है बोल के बोल भी दिया गया, तो गाय की किस चीज को देखकर हम उसे गाय बोले? गाय की टांग देखकर, गाय की सींग को देखकर, गाय की नाक को देखकर, कि गाय की कलर को देख देखकर किस चीज का उसका हम ग्रहण करेंगे? तो किस किस चीज में ये जो अभिधा शक्ति है वो शक्ति कहाँ पर से ये संकेत ग्रहण करता है? संकतो गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रियासूच। तो ये जो संकेत ग्रहण करता है, मुख्य अर्थ को ग्रहण करता है, तो इसका चार जगह है, ये चारों जगह से ही संकेत ग्रहण करता है, इसको ही पकड़ता है। तो प्रथम में आता है जाति, दूसरा में गुण, तीसरा में द्रव्य और चौथा में क्रिया। चार चीजों को लेकर ये उसका एग्जाम्पल देकर हम अभी विचार करेंगे उसका अर्थ क्या चल रहा है। तो पहले आता है जाति। तो अभी जाति सुनते ही मन में आएगा कि सर गाय की क्या फिर जात आ गई, हम लोगों की मनुष्यों की तो जात है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण की चार जात तो हमारी यहाँ परंपरा रही है, हमारी परिवार में, हमारी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ तो हम लोग ही जात रहती है, जात पात व्यवस्था। ये गाय बछड़ी इन लोगों की, और ये गाय बछड़ी तो जीवित है, मान लीजिए अभी चेयर मान लीजिए, टेबल मान लीजिए, ब्लैक बोर्ड मान लीजिए, मोबाइल मान लीजिए, ईयरकड़ मान लीजिए, इंटरनेट कनेक्शन, अरे यहाँ पर भी तो अभिधा काम कर रही है ना, मोबाइल बोलने पर मोबाइल की हम अर्थ ले रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ से जाति आ गई भाई, मोबाइल की कौन सी जाति आ गई, ये बात है। तो जाति शब्द का जो अर्थ है उसमें क्या है, यहाँ पर जो विचार है ये शास्त्र विचार है।
तो यहाँ पर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऐसा जाति का माने यहाँ पर मतलब नहीं कहा गया है। इसमें जाति का अर्थ है एकम नित्यम अनेकानुगतत्व, एक हो अनेक में रहता हो और नित्य हो उसे जाति बोला जाएगा। तो कौन सी है वो? तो मान लीजिए गाय है, और सारा हमेशा गाय को क्यों पकड़ के रखे हैं? दूसरा कुछ लीजिए ना। तो चलिए आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल मेरे पास मान लीजिए सैमसंग का है, किसी के पास वन प्लस है, किसी के पास वीवो है, किसी के पास मोटोरोला है, मोटो का है, किसके पास आईफोन है, इसी तरह का तरह तरह के फोन, मोबाइल फोन, आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। और हर मोबाइल में एक मोबाइल, तो मोबाइल का एक जो पूरा मूल जो है वो तो सब में समान है। मोबाइल किस क्या रहने पर उसे मोबाइल स्मार्टफोन कहा जाएगा, उसका तो एक बेसिक कंसेप्ट है, तो मोबाइल तो है। तो गऊ को एग्जाम्पल लेने पर गोत्व बोला जाएगा, अश्व को पकड़ने अश्वत्व बोला जाएगा, मनुष्य को लेने पर मनुष्यत्व बोला जाएगा, पशु को लेने पर पशुत्व बोला जाएगा। तो यह जो है जाति, तो इसी बेसिक कंसेप्ट को ही यह जाति बोला गया है। गोपिंडादिषु गोत्वादि का जाति, गोत्व रूप जो है मोबाइल को, मोबाइल तो जो रूप है, टैबलेट को देखकर आप मोबाइल नहीं बोल पाएंगे, टैबलेट में भी वही सारे सुविधा रहती है जो मोबाइल स्मार्टफोन में आजकल है, कॉलिंग व्यवस्था, स्मार्ट ये सेल्फी लेने की। तो टैबलेट को तो हम कभी नहीं कहते हैं कि ये मोबाइल फोन है या स्मार्टफोन है, उसे भी हम कहते हैं कि ये टैबलेट है और ये मोबाइल है। तो कहाँ, तो ऐसी कुछ बेसिक फीचर्स है या बेसिक कुछ कंसेप्ट है जिसे हम उसे उसकी मेन कंसेप्ट को जाति बोल के बोलते हैं, जो हर फोन में समानता रूप से रहता है। तो एकम नित्यम अनेकानुगत, तुम तो जो जाति है। तो गोपिंडादिषु गोत्वादि का, गोपिंड आदि में, गो हो अश्व है मनुष्य है इत्यादि में जो गोत्व अश्वत्व पशुत्व मनुष्यत्व अजत्व है, ये सारे चीज जो है उसे हम जाति बोलते हैं। फिर आता है तो जाति को ये अभिधा संकेत ग्रह ग्रहण कहाँ पर करता है? जाति पर करता है। फिर आता है गुण, गुण पर करता है। गुण क्या है? विशेष आधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे गाय चर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कुछ गाय हैं, पहले से जैसे बोला था कि मैं सफेद कलर का गाय है, काली गाय है, धूसर यानी ब्राउन कलर का गाय है, ऐसे बहुत सारे गाय घूम रहे हैं। अभी मैंने किसी एक गाय को अलग करना है, किसी एक तो इंडिकेट करके किसी को बोलना है कि वो गाय को देख, उसी गाय की एक प्रजाति के ऊपर कुछ बोलना है, किसी को बोल रहा हूँ, पहचान रहा हूँ, या घोड़ों की एक रेस चल रही है, उसमें दो तीन प्रकार के घोड़े रेस में लगा गया है, तो रेस को देखते समय में हम दो आदमी जो बात कर रहे हैं कि कौन घड़ा घोड़ा अच्छा दौड़ रहा है, किसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, तो उस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, उस कलर को बेस कर रहे हैं। या तो जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, नाम पता है तो अच्छी बात है, या तो अनकॉमन गांव गांव में भी आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल मैच करवाते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से आया है खेल रहा है, बाहर का आदमी आकर दो आदमी बैठ खड़ा होकर देख रहे हैं प्लेग्राउंड में, और वो आपस में बात कर रहे हैं कि वो अच्छा खेल रहा है, तो दूसरा वाला पहचान नहीं पा रहा है कि कौन किसकी बात करे, तो वो बोला वो जो काली वाली जो ज्यादा लंबी लंबी हरी के बाल पकड़ के रखा है, चुप मतलब वो देखिए लड़कियों की तरह बड़ा सी उसका जो बाल है, उस लंबा वाला आदमी, वो जो ऐसा है, उसका जो कलर के बारे में हो, उसका जो कुछ इंडिकेशन दे रहा है उसका बाल के ऊपर, बोल ये जो चीज को लेकर वो बाकी उससे उसे अलग दिखलाया बोलने वाला, तो ये ही है उसका गुण। किसका?
जिसका दिखा रहा है। तो विशेष आधान हेतु, विशेषता किसी चीज में दिखाना हो और जो वस्तु में सिद्ध हो, अनुपस्थित नहीं हो, ऑलरेडी प्रेजेंस हो, उसी चीज को क्या कहा जाएगा? विशेष आधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्मा, वस्तु का धर्म भी हो और वस्तु में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, उसी हिसाब से उसे ग्रहण करके उसका अलग चीज दिख, अलग हिसाब से अलग करता हो, उसे ही हम गुण बोलते हैं। जैसे शुक्लादय ही गवादिकम सजातीयेभ्यः कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति, सजातीयेभ्यः व्यावर्त, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ये तीन भेद होते हैं। आप नोट कर दीजिए, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ये याद रहना चाहिए। जैसे अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव बोला, उसे भेद भी तीन प्रकार के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद मतलब क्या है? मान लीजिए गाय है, गाय हमारी गांव की गाय भी है जो देसी गाय बोला जाता है, और विदेशी भी गाय है, वो भी गाय है, होलस्टन जर्सी वगैरह वगैरह गाय के नाम रहते हैं। और मान लीजिए काली रंग की गाय है, व्हाइट गाय है, ब्राउन कलर की गाय है, ये सब गाय है, तो सब एक ही जाति की है, सब गाय ही है, सब गाय है। तो इसमें ये आ गया सजात, सजाति, इसमें समान जाति है, सब गाय है, फिर भी सजाति होने के बावजूद भी जो देसी गाय है वो अलग है, देसी भाव से वो अलग, तो उसमें सजातीय भेद है, सजातियों में भी उसका भेद हम देख रहे हैं। किस हिसाब से? वो देसी गाय है, किसी को बोले वो काली गाय है, जैसे कि पूजा पाठ में कहीं कहीं पर काली गाय की गोबर चाहिए बोलते हैं, काली गाय की दूध चाहिए, गाय तो गाय है, गाय तो व्हाइट कलर की गाय है, सफेद है, ब्राउन है, ये तरह तरह की गाय जो है सब में गाय है, सजाती है, सब समान जाति के हैं, फिर भी सजातियों में भी भेद है, वो है कौन से? ये काली गाय है, ये सफेद गाय है, ये ब्राउन गाय है, इसी हिसाब से तीन प्रकार के तीन भाग हो गए, तो इसे सजाति सजातीय भेद बोला जाता है। ठीक है, मनुष्य तो सब आप भी हैं मैं भी हूं, ये फिर भी उसमें लड़का और लड़की दो भेद हैं, तो ये सजातीय भेद आ गया। आम के पेड़ है तो बहुत सारे आम, अभी गर्मी के महीने आने वाले हैं, आम खाने को मिलेगा, तो तरह तरह की सुंदरी आम है, मुंबई वाली आम है, ऐसे बहुत सारे नाम रहते हैं, तो ये जो आम के कैटेगरी हो गए, तो आम तो आम ही है, फिर भी उसमें भी भेद है, तो सजात इसी तरह का एक को बोलते हैं सजातीय भेद। और विजातीय भेद उसके बाद आता है, विजातीय भेद क्या है? आम का पेड़ है और नीम का पेड़ है, आम के पेड़ से नीम का पेड़ का जो डिफरेंस है, भेद है, उसे विजातीय भेद बोला जाएगा। मनुष्य है, गाय है, एक पशु है, एक मनुष्य है, तो मनुष्य से पशु का जो डिफरेंस है वो विजातीय भेद, अलग अलग चीज जो है उसमें विजातीय भेद बोला जाएगा। और स्वगत भेद, स्वगत भेद, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के शरीर है, आपका जो शरीर है, जो मेरा भी उसी तरह का शरीर है, फिर भी ये शरीर में हाथ और नाक अलग अलग है, पेट और पांव अलग अलग है, खुद में भी पार्थक्य है, डिफरेंस है। पेड़ है, पेड़ में पत्ता है, शाखा है, उसका मूल है, अलग अलग अंशों में अलग अलग भाग भेद रहता है, तो एक ही चीज में उसके अंदर निकाली गई जो पार्थक्य डिफरेंस है उसे स्वगत भेद बोला जाता है। फल है, पुष्प है, पत्र है, ये अलग अलग भेद है, तो स्वगत भेद, एक विजातीय भेद, आम से नीम पेड़ का जो भेद है वो है विजातीय भेद, आम आम के पेड़ में जो भेद है वो है सजातीय भेद। तो इसी हिसाब से गुण को लेकर हम भेद देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, क्या शुक्लादयो ही गवादिकम सजातीयेभ्य कृष्ण गवादिभ्यो व्यावर्तयन्ति, शुक्लादय सफेद व्हाइट ऐसा जो वर्ण है, कलर है, तो उसी हिसाब से सजातीयेभ्य अलग गायों से उसे अलग करता है। तो ये गुण के, तो गुण को लेकर भी
अविधा के द्वारा अर्थ संकेत ग्रह ग्रहण किया जाएगा। फिर आता है द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य शब्दा एक व्यक्तिवाचिन हरि हरड़ इत्थड़ विथादय, बोल रहे हैं द्रव्य। द्रव्य एक व्यक्तिवाची, द्रव्य का मतलब क्या है? एक द्रव्य वाच, नाम वाचक, नाम पद यहाँ पर आ रहा है, नाम हिसाब से भी पकड़ा समझा जाए। तो किसी एक द्रव्य को हम लेकर भी उसको अभिधा का जो संकेत ग्रह होता है द्रव्य के हिसाब से भी होगा। मान लीजिए किसी का नाम हरि है, हरि बोलने पर किसी एक व्यक्ति को ही हम समझते हैं कि नहीं सर हम भगवान को समझते हैं। ठीक है, हरि मतलब तो किसी विष्णु भगवान को समझ रहे हैं ना, हरि का मतलब तो इंद्र को नहीं समझ रहे हैं, हरि का मतलब वरुण को तो नहीं समझ रहे हैं, हरि के शब्द से अग्नि को तो नहीं समझ रहे हैं। तो हरि शब्द से हम समझ रहे हैं एक एक को, नहीं सर हरि का शब्द तो बहुत है। तो ठीक है, उन्हीं लोगों को ही समझ रहे हैं, दूसरे किसी को तो नहीं समझेंगे। उस शब्द का यह यह अर्थ है ऐसा समझ रहे हैं। तो वहां पर भी अविधा इस शब्द का यह अर्थ है, अश्व बोलने पर इसे समझना है, गाय बोलने से इस तरह का प्राणी को गाय बोला जाएगा, भालू बोलने पर इस तरह के प्राणी को भालू बोला जाएगा। यह हमारे मन में बैठा हुआ है या बैठा दिया गया है, बार बार देख देख कर हम ऐसे सीख लिए हैं कि इसे ही यह कहा जाएगा। तो इसमें आ गया क्या? द्रव्य के एक व्यक्तिवाचिन जो होता है उसे कहा जाएगा क्या? उसमें भी संकेत ग्रह हो पाएगा। तो द्रव्यम, द्रव्य शब्दा एक व्यक्तिवाचिन हरिहरड़ इत्थड़ विथादय, क्रिया क्रिया साध्य रूपा वस्तु धर्मा पाकादय। देखिए उसमें जब हम गुण के पढ़ रहे थे संकेत ग्रह कहाँ कहाँ पर किया जाए, तो उसमें बोल रहा है गुण में विशेष आधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्मा, एक है सिद्ध वस्तु धर्मा और यहाँ पर आ रहा है क्रिया में साध्य रूपा वस्तु धर्मा। तो ऑलरेडी जहां पर प्रेजेंट हो जो गुण उसको भी लेकर हम संकेत ग्रह कर सकते हैं, जो चीज पहले से ही वस्तु में उपस्थित हो उसी को लेकर भी हम संकेत ग्रह ग्रहण कर सकते हैं, और जहां पर सिद्ध ना हो लेकिन बाद में उसमें संभव हो वैसा गुण साध्य रूप हो, एक सिद्ध है और एक साध्य है, बाद में आएगा हो पाएगा वैसा वस्तु धर्म को क्रिया कहा जाएगा। जैसे पाकः, पाकः, पचति, माता अन्नम पचति, माता ओदनम पचति, जो पाक क्रिया है जो उसमें हो पाएगा। तो क्रिया को लेकर भी हम उसमें वस्तु ग्रहण संकेत ग्रहण करते हैं। इसमें थोड़ा और व्याख्या करेंगे। तो पहली जो हम यहाँ देखे थे एग्जाम्पल किया था उसमें देखिए गाम आना यह पहले बोला था, उसके बाद गाम वधाना बोला था और उसमें अश्व आना यह बोला था। पहले गाय को आने के लिए बोला था लाने के लिए, फिर गाय को बांधने के लिए बोला गया था, फिर घोड़े को लाने के लिए बोला गया था। तो क्या बोल रहा है यहाँ? आनय, बधान और आनय, ये तीन जो क्रियापद है, क्रियापद से यह क्या? साध्य रूप वस्तु धर्म है। गाय को लाने के लिए बोला, गाय आया नहीं था, गाय को ला जा रहा है, तो उसमें गाय आया नहीं था, उसको आने के लिए जा, तो वो है उसका साध्य रूप वस्तु धर्म। तो इस क्रिया से हम साध्य रूप वस्तु धर्म क्रिया को हम देख रहे हैं। तो क्रिया आना मतलब लाना, पकड़ के लेकर आना, तो यह अर्थ समझ रहा है सुन के या देख के। फिर गाम बधाना, बधाना वार्ड सुन के, गाय को बांधा नहीं गया था, यह वार्ड सुन के उसमें वो जब क्रिया देख रहा है कि रस्सी पकड़ के गाय के गले में बांध रहा है और एक खूंट में किसी एक स्तंभ में बांधा जा रहा है, तो वहां पर भी ये साध्य रूप वस्तु धर्म है, पहले नहीं था वहां पर किया गया। फिर अश्वमान यह बोल रहा है, तो आना यह वार्ड को फिर सुन रहा है, तो
तो एक बार तो लाया गया था, फिर किसको लाया जा रहा है, तो उसमें आ रहा है अश्व। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अश्ववाड़ को देखकर पहले गाम बोला गया था, गा बोला, गऊ बोला गया था, तो गऊ इस तरह दिखता है, इस तरह प्राणी को गऊ बोलते हैं। और अभी जो बोला गया है और लेकर आया जब, तो ये अलग एक प्राणी है, तो इसे अश्व बोला जाता है। तो सुनकर और देखकर, ये दोनों को ही देखकर ही उसे पता चल रहा है। और यहाँ क्रियापद जो है, उस क्रिया को देखकर, पहले बंधा नहीं था, बांधने की क्रिया देख रहा है। उसी हिसाब से बच्चों बच्चे जब माँ के पास खेलते रहते हैं, तो वो माता जो जो काम करती रहती हैं, वो सब ही करती हैं। माता रसोई घर में खाना पकाती है, तो बच्चा वही सब देखता है, वही सब करने के लिए मन करता है, उसी हिसाब से वो काम करता है। तो वही जो देख देख कर सीख रहा है, वो है क्रिया, और संकेत ग्रहण करता है, तो वो है साध्य रूप वस्तु धर्म। तो तीन हो गए अर्थ, एक तो है वाच्यार्थ, दूसरा है लक्ष्यार्थ, तीसरा है व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ अविद्या से ग्रहण होता है, और ये जो है ये जो है वाच्यार्थ अविधा से ग्रहण होता है, फिर लक्षणा जो लक्षार्थ जो है लक्षार्थ लक्षणा से ग्रहण होता है, और व्यंग्यार्थ जो है वाच्यार्थ से व्यंजना से ग्रहण होता है। तो वाच्यार्थ जो शब्द जैसा है उसी को उसी हिसाब से ग्रहण करना, यही वाच्यार्थ है। जब वाच्यार्थ में वाक्य में अन्वय में बाध सृष्टि हो, उस जगह पर हम परिकल्पित जो अर्थ लेते हैं उसे लक्षार्थ कहा जाता है। और जहां पर मोक्षार्थ बाधित ना होकर भी किसी दूसरी अर्थ को प्रतिपादन करे, दो हो, तीन हो, एक हो, लेकिन मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ होना चाहिए, तो उस जगह पर हम व्यंग्यार्थ बोलते हैं। इसी क्रम से तीन हमारी शक्ति आ रही है, तीन शब्द शक्ति रहती है। इस जो अर्थ प्रतीति होती है किस आधार पर होती है, नहीं, इसमें जो शक्तियां रहती हैं, शब्द में जो शक्ति रही है, उस शक्ति के आधार पर हमारी ज्ञान हमारी अर्थ विवेचन होता है, अर्थ के शक्ति के आधार पर। तो पहली जो है मुख्यार्थ जो ज्ञान रहता है वो अभिधा शक्ति के बल पर होता है, और जहां पर हम मुख्यार्थ बाधित हो जाता है और उसमें हम दूसरा अर्थ परिकल्पना करते हैं, उस जगह पर लक्षणा आती है। लक्षणा शब्द शक्ति से हम लक्षार्थ को ज्ञान करते हैं, लक्षार्थ को ग्रहण करते हैं। और जहां पर मुख्यार्थ बाधित न होकर भी किसी दूसरे अर्थ को हम जब ग्रहण करते हैं, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति रहता है। लेकिन इन तीनों में से मुख्य और पहली अविधा ही रहती है, क्योंकि वो मुख्य अर्थ को समझाती है, मतलब शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वही अर्थ ही उसका है। तो इसीलिए अविधा को पहली बोला गया, अग्रिमा अविधा बोध्या। और ये अविधा किस तरह होती है, तो पहली स्थिति है जन्म से जब बच्चा देखता है, सुनता है, एक एक शब्द, एक एक क्रिया, उसी हिसाब से उसका स्वतः ही उसका अर्थ ग्रहण करता रहता है। किसी बातचीत को सुन सुनकर होता है, दूसरी होता है एक ज्ञात शब्द और एक अज्ञात शब्द। ज्ञात शब्द से अज्ञात शब्द का क्या अर्थ हो सकेगा, यह वो खुद ही वो परिकल्पना करता है। जैसे कि मधुनी मधुकर पिबती, तो मधु को कौन पिएगा, तो मधुकर ही पिएगा। तो भंवर जानता है लेकिन मधुकर क्या है उसे पता नहीं, तो मधु तो भंवर ही पीता है, तो मधुकर का मतलब भंवर ही होगा, ऐसा सोच लेता है। और फिर आप तो व्यक्ति जो है प्रसिद्ध व्यक्ति, बच्चे के लिए उसके माता पिता आप तो रहे हैं, शिष्य के लिए उसके गुरु आप तो रहे हैं, जिसे आप तो मानते हैं, वही आप तो व्यक्ति कुछ बोले तब उसे ज्ञान होता है कि नहीं, इसी हिसाब से अर्थ की प्रतीति होती है। किसकी, जो वाच्यार्थ की होती है, लक्षार्थ की नहीं बोला जा रहा है, कि यहाँ पर व्यंग्यार्थ की नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाच्यार्थ मुख्य अर्थ की ही बोला जा रहा है, कि जो
हमारी मुख्य अर्थ की ज्ञान होती है बचपन से देख देख कर, सुन सुन कर, पास में रहे ज्ञात पद से, अज्ञात पद की अर्थ से, और किसी ने डायरेक्टली हमें बोला है, तो इसी हिसाब से हमें ये समझ में आती है। लेकिन यह समझ में कैसे, ये जो संकेत ग्रह करता है, ये संकेत कहाँ से लेता है? जाति से लेता है, गुण से लेता है और क्रिया से लेता है। जाति, गुण, क्रिया, और एक है द्रव्य से। जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य से वो लेता है। तो ये जो सारे चीजें हैं, हम जाति को देखें, जाति है जो गौ में जो गोत्व रूप जाति है उसे लेकर वाच्य अर्थ ग्रहण करता है, संकेत ग्रह करता है। गुण है जो सिद्ध वस्तु धर्म है, ऑलरेडी वस्तु में जो गुण, ऑलरेडी जो वस्तु धर्म प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसे देकर वो अर्थ ग्रह, संकेत ग्रह करता है। उसके बाद आती है जाति, जाति गया, फिर गुण गया, उसके बाद आती है जाति, क्रिया, जाति, गुण, द्रव्य। द्रव्य है नामवाचक, एक व्यक्तिवाची न, एक व्यक्तिवाची न होता है, मतलब किसी एक नाम से, ये बच्चा है, ये बटुक है, ये ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी इसे कहते हैं, तो ब्रह्मचारी शब्द से उसका द्रव्य नाम से पता चल रहा है, ये ब्रह्मचारी है, ये हरि है, ये राम है, ये गोपाल है, ये राधा है, ये सीता है, ये गीता है, ये द्रव्य उसके हिसाब से चलता है। या तो हम बोल देते हैं कि यह टेबल है, ये नाम से पता, ये घट है, ये पट है, ये नाम वाचक जो है, नाम में भी संकेत ग्रह होता है। तो एक हो गया आपका क्या द्रव्य। अभी जो है अंतिम चौथा वाला वो क्रिया में है। क्रिया कैसे होता है? क्रिया साध्य रूप वस्तु धर्म है, वो जैसे गुण ऑलरेडी वस्तु में प्रेजेंस रहता है, उपस्थित रहता है, उसी तरह नहीं है, वो साध्य रूप है। जैसे कि मैंने उदाहरण पहले दिया है, गाम आनय, गाम वधान, अश्वम आनय, अन्नम पचती, माता अन्नम पचती, ये जो आनय, वधान और पचती, ये सारे क्रिया तंडुल में या चावल में पहले से पाचन रूप क्रिया नहीं है, उसे करवा रहे हैं, पाक कर रहे हैं, तो क्रिया में भी हम पाचन मतलब यह अर्थ है, पचती का अर्थ है खाना पकाना, यह अर्थ हम ले रहे हैं, तो यही है मुख्य अर्थ पचती में। आनय लाना, गच्छति जाना, पठती पढ़ना, पाठयति पढ़ाना, यह जो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं ये साध्य रूप है, ये पहले से यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अभी हो रहा है वो क्रिया। हमेशा मैं नहीं पढ़ाता, आप लोगों का भी पढ़ा रहा हूँ, अभी शाम 6 बजे के बाद मतलब नहीं पढ़ाना है, बंद करना है, तब तो आप लोगों को पढ़ाना, ये साध्य रूप क्रिया है, उसमें ऑलरेडी मेरे पर प्रेजेंट नहीं है, मैं इसे कर रहा हूँ, साध्य है ये, ठीक है? तो इसी हिसाब से क्रिया जो रही है वो साध्य रूप रही है। तो यह है आपकी आज की जो स्थिति, पढ़ाई जाने वाली थी, तो आज हम तीनों की एक विहंगावलोकन कर दिए, उसमें अभिधा क्या है हम आज समझ दिए, कल हम फिर देखेंगे व्यंजना और लक्षणा की। और व्यंजना सरल है, समझ में आ जाएगा तुरंत, लक्षणा जो है वो थोड़ा कठिन है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा, कठिन है तो डरने की बात नहीं है, अपेक्षाकृत अविधा और व्यंजना से लक्षणा थोड़ा कठिन है, उसमें क्योंकि उसमें प्रकार भेद ज्यादा करके रखा गया है, इसीलिए उसे ध्यान में सुनना और नोट करने की चीजें हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ही एग्जाम्पल या दो ही एग्जाम्पल बार बार घिसे पीटे से आएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किसके एग्जाम्पल कौन सी है, दो या तीन ही एग्जाम्पल रहते हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन अलग अलग हिसाब से आते रहेंगे, तो आप लक्षणा को भी हम पढ़ेंगे और व्यंजना को हम, और बहुत चमत्कार भी लगेगा, व्यंजना में ही ध्वनि है और व्यंजना को ही ध्वनि कहा जाता है, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति यत् बुधैः समाम्नातः, आनंद वर्धनाचार्य ने बोला है कि जो पूर्व आचार्य, काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य का आत्मा ध्वनि ही है, और ध्वनि क्या है, और व्यंजना ही है, व्यंग्य शक्ति ही
व्यंग्यार्थ व्यंजना यही ही ध्वनि है, और जितना व्यंजना रहे उतना ही चमत्कारिता अनुभव होती है काव्यों में। व्यंजना ही वास्तविक चमत्कारिता प्रतिपादन करती है, रमणीयता लाती है, ना कि लक्षणा ना कि अविधा। अविधा और लक्षणा से व्यंजना की, और यह व्यंजना की सिद्धि के लिए ही साहित्य शास्त्र का प्रवर्तन है, क्योंकि न्याय हो, व्याकरण हो, वेदांत, यह व्यंजना को ग्रहण नहीं किया गया अलग शास्त्रों में, वो लोग उसे अनुमान में अंतर्भाव कर दिए हैं, जो कि आलंकारिक शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में उससे पृथक सत्ता, पृथक अस्तित्व के हिसाब से विवेचन किया गया है कि व्यंजना अनुमान के अंदर नहीं आता, अनुमान से वो अलग है, उसका अस्तित्व कुछ अलग है, वो एक स्वतंत्र शक्ति है, स्वतंत्र उसका स्थान है, यही प्रतिपादन कर रहे हैं। इसीलिए व्यंजना को पढ़ना बहुत जरूरी है, साहित्यों की जो परिकल्पना है उसे जानना जरूरी है, और उसे हम अगले क्लास में हम देखेंगे। तो आज को जो पढ़ाया गया है उसमें कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते। सर नमो नमः। हाँ बोलिए। सर महावाक्यम के ऊपर आपने क्या कहा वो थोड़ी समझ में नहीं आई, और महावाक्य जो है वो और अनुच्छेद क्या एक है या दो अलग-अलग है? क्या क्या और एक बात बोलिए। हाँ सर महावाक्य और अनुच्छेद एक है या अलग-अलग है? अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद कहाँ पर है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि आपने कहा वाक्यों से वो महावाक्य बनते हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि महावाक्य और अनुच्छेद क्या एक ही है क्या? अनुच्छेद शब्द मैंने नहीं बोला है, आप पूछ रहे हैं अनुच्छेद और महावाक्य एक ही है क्या बोल रहे हैं, तो जी सर। नहीं है, अलग है। अनुच्छेद का अर्थ अलग है, अनुच्छेद का अर्थ महावाक्य नहीं है। जी सर, महावाक्य थोड़ी समझ में नहीं आई, तो संक्षेप में बोल रही हाँ हूँ। मान लीजिए वाक्य किसे बोल रहे हैं जिसमें कुछ पद मिलकर, जिस पदों में आकांक्षा योग्यता आसक्ति मिलकर एक अर्थ समझा रहे हैं तो उसे वाक्य बोलते हैं। अब उसी तरह कुछ वाक्य मिलकर एक वाक्य बोलने के बाद दूसरा वाक्य की आकांक्षा आ रही है या योग्यता चाहिए, आसक्ति चाहिए, मतलब कुछ वाक्य मिल गए हैं और एक महान अर्थ प्रतिपादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका काव्यों की, रामायण एक महावाक्य है, रामायण का एक अंश पढ़ देने पर महावाक्य में आपको एक आकांक्षा रहेगी, उसके बाद क्या हुआ है, उसका बाद क्या हुआ है, ठीक है, तो आकांक्षा बनी रहेगी। तो पूरा रामायण आपको कंप्लीट पढ़ना है, तो पूरा रामायण एक महावाक्य है, पूरा रघुवंश एक महावाक्य है, ऐसा बोला गया है। जी सर, काव्य और वाक्य एक है क्या? वहां काव्यों को उदाहरण के तौर, महावाक्य का उदाहरण दिया गया है। काव्य को हम वाक्य बोलते हैं या वाक्य को हम काव्य बोलेंगे ऐसा नहीं है। जब वाक्य और महावाक्य दोनों में डिफरेंस एग्जाम्पल दे रहे हैं तो महावाक्य का उदाहरण महाकाव्यों का उदाहरण उसमें दिया गया है, अवधान नहीं किया गया है, उदाहरण है, ठीक जी सर। है। और कुछ जगन्नाथ सर, जी। सर बहुत अच्छा, सर ने बहुत सारे विषयों का प्रतिपादन यहाँ पर किया है और चंचल ने अपना प्रश्न भी उपस्थापित किया, महावाक्य और अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद सर ने नहीं पढ़ाया था, अनुच्छेद परिच्छेद इत्यादि वो है, अध्यायों का विभाजन ग्रंथ में किया जाता है, उल्लास और महावाक्य तो पढ़ाए हैं, और दर्शन की दृष्टि से भी महावाक्य
पहले भी पढ़ाया गया था, शायद तिवारी जी ने पढ़ाया था। ठीक है, सभी लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया। सर का प्रतिपादन बहुत ही सरलता, सुगमता और सहजता से हो रहा है। हम इग्नू ऑनलाइन कक्षा की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप समस्त अध्येतागण बड़े ही मनोयोग से अध्ययन कर रहे हैं, आपको भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। और यहीं पर कक्षा संपूर्ण होती है। और जय जगन्नाथ, नमो नमः महोदय। हम्म।